कोयला घोटाला से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 2 और लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। सीबीआई की तरफ से अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की मांग की गई थी, जबकि अभियुक्त के वकील ने पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा दोषी साबित हो चुके हैं। उन्हें 3 साल की जेल के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसी तरह पूर्व खदान सचिव HC गुप्ता को भी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिलीप रे का पक्ष रख रहे वकील मनु शर्मा ने कहा कि हम जमानत के लिए अदालत जा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे। अदालत ने कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को भी दोषी करार दिया था। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन 2 वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बैनर्जी और नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी करार दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।